Our favorite doctor is in the house. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा हमीद और आज हमने सोचा कि ज़रा बात करते हैं वो लोग जो जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको अच्छी उम्र दी है। लाइफ बिगिनस एट 40 कहा जाता है, लेकिन 40 के बाद वो जो बॉडी खड़कना शुरू होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्थ कंडीशंस लग जाती हैं, ये एक ऐसी बिगनिंग हुई जिसकी बिगनिंग ही ऐसी अजीब टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। तो क्या इस बिगनिंग को हम बेहतर कर सकते हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर उज़्मा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। उज़्मा, डू यू रियली बिलीव लाइफ बिगिनस एट 40? नॉट एग्जैक्टली मुझे लगता है मेच्योरिटी वाइज आप अपने एक्सपीरियंस, आपके जो आपने लर्न किया होता है पास से, वो आप मुझे लगता है कि आप उसको अपनी लाइफ के अंदर ना वो उसको एक्सपीरियंस करना और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। लाइफ तो आपकी शुरू हो चुकी होती है और आप लर्न करते करते सेल्फ अवेयरनेस के एक बड़े इंटरेस्टिंग पड़ाव पे आप पहुंचते हैं, जहाँ पे आप इमेच्योर भी नहीं होते। आपको खुद रियलाइज होता है कि यार पहले बड़े जज्बाती फैसले किए, बड़े जज्बाती रिएक्शन दिए, अब ऐसा नहीं होता है। जो गलतियाँ हमने कर चुके हैं वो हम अपने बच्चों को या अपनी नई जनरेशन को करने ना दें। जो हमने चीज़ फील की है, और बेहतर यही होता है जो अपने एक्सपीरियंस से सीख के आगे उसको डिलीवर किया जाए अपने बच्चों को। सो मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन, अगर 40 साल की उम्र तक आपने सेहत का ख्याल नहीं किया, बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं आपने, बड़ी हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट रखी है, वर्जिश आपने की नहीं, हेरिडिटी भी जो आपके मसाइल थे उनको आपने बढ़ने दिया, कैन यू टर्न द शिप अराउंड एट 40? बिल्कुल। देखिए सिद्रा, हम एक चीज़ कहते हैं एनुअल स्क्रीनिंग, यानी कि आपको सालाना चेकअप करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल दूं, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे पास रिकमेंडेशन है, वो कोलेस्ट्रॉल का जो चेकअप है वो पहला होना चाहिए 9 से 11 साल के दरमियान। फिर दूसरा जो चेकअप कोलेस्ट्रॉल का ऑन स्क्रीनिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए 17 से 18 21 साल के दौरान। मुझे बताएं कितने लोग इसकी तरफ जाते हैं? ठीक है, जब तक हम लोग के साथ गलती या हमने कह लें हमारे इस चीज़ को हम बहुत लाइट लेते हैं कि जब तक कोई हमें सिम्टम नहीं आएगा या खुदा ना खासा कोई बड़ी बीमारी हमें अटैक नहीं करेगी, हम जब तक अपना जो है वो स्क्रीनिंग या इलाज की तरफ नहीं जाते। अगर हम स्क्रीनिंग करवाते रहें तो बहुत सारी चीज़ों को हम अर्ली पिक और हम जी वो वाहिद कौम है जब हम टेस्ट कराते हैं और कुछ गड़बड़ नहीं निकलती, हम कहते हैं हाँ है ऐसे ही करवाया टेस्ट। सो आई थिंक वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। एक और चीज़ मुझे बताएं कि आजकल बड़ी बात होती है क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज की। जो लोग फिट हैं उनकी तो कोशिश होती है कि बेशक अगर उनकी उम्र 40 हो भी गई है, उनकी इतनी फिटनेस हो, वो इतना ज़बरदस्त एक्टिव हों, अपने वाइटल्स को इतना सही रखें कि जब आप उनका टेस्ट कराएं तो इट इज़ कंपेरेबल टू समबडी इन देयर 20s एंड 30s। लेकिन उमूमन ये रिवाज नहीं है। अगर एक 40 साल के बंदे की स्क्रीनिंग और वाइटल्स टेस्ट किए जाएं तो शायद उसकी उम्र 55-60 निकल के आएगी हमारे यहाँ। तो इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं सिद्रा? इसका सबसे ज़्यादा जो है मसला वो हमारा लाइफस्टाइल है। देखिए आजकल में अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, जो डायबिटीज़ की 2 एग्ज़ाम होती है, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 तो भई आपकी जीन के अंदर चल रही है, वो अर्ली बच्चों में हो जाती है। टाइप 2 का जब हम लोग पढ़ते थे तो ये होता था ये 40 के बाद होती है। अभी आप टाइप 2 देख लें, बहुत छोटे बच्चों के अंदर भी डायग्नोज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ओबीज़ हैं, उनका वेट ज़्यादा है, उनकी ईटिंग पैटर्न बहुत डिफरेंट है। आप मुझे पता है प्रोसेस फूड सिर्फ और सिर्फ क्या खा रहे हैं, एम्प्टी कैलोरीज वो ले रहे हैं, कोई उसके अंदर कोई नरिशमेंट नहीं है, सिर्फ कैलोरीज ले रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। गैजेट्स पे बच्चे लगे रहते हैं, या बड़े भी आप देख लें, बच्चों को तो एक बहाना है, बड़े भी इसकी तरफ नहीं जाते कि हम पानी भी पीना है तो खुद उठ के पानी नहीं पियेंगे। अगर कहीं पे लिफ्ट है तो हम लिफ्ट को यूज़ करेंगे बजाय इसके कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाएँ। इंटरेस्टिंग थिंग उज़्मा, आई हैव नोटिस्ड कि हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं कि मैरी एंटोनेट ने अज्यूमेबली ये कहा था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोग रोटी यानी ब्रेड के लिए पुकार रहे थे कि इफ़ दे डोंट हैव ब्रेड गिव देम केक्स, यानी बड़ा एलिटिस्ट व्यू था कि नहीं है रोटी तो केक दे दो, इसमें ऐसे रोने पिटने की क्या बात है। लेकिन आज वी आर एक्चुअली लिविंग दैट। जो हमारे यहाँ साहिब हैसियत लोग हैं वो तो क्लीन डाइट पे चले गए, वो सैलड खा रहे हैं जो शायद महंगी भी है, लेकिन मैं मिडिल क्लास और लोअर तबके को देखती हूँ, उनकी डाइट में पिज़्ज़ास, बर्गर्स, बेइंतहा रोगन ग़िज़ाएं, हम बिरयानी कोरमा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एंड वी आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि इट इज़ सो हार्मफुल। अच्छा सिद्रा, ये चीज़ें खाना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात एक चीज़ है आप लोग ये भी, लेकिन एतदाल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपने मतलब अगर आपने 15 दिन में एक दफ़ा पिज़्ज़ा ले लिया तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसका भी एक आध स्लाइस ले लें। होता ये कि हम पूरा पिज़्ज़ा पूरा खाना है तो वो देखें, वो तो जाके आपकी छोटा सा आपका मैदा है वो कितना डाइजेस्ट करेगा, वो जाके इन्फ्लेमेशन करा सकता है, चीज़ों को ख़राब कर सकता है, फिर पेट डिस्टर्ब हो जाता है वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है। अमूमन मैंने देखा है बहुत बड़ी तादाद में लोग जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं, और उसके लिए दवा लेने में लोगों को अभाम भी है। लोग समझते हैं एक दफ़ा दवाई ली तो यू नो आप उसके आदी हो जाएंगे। एक तो ये कितनी बड़ी मिथ है, और बग़ैर दवा के क्या आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं दोबारा? अच्छा सिद्रा, देखिए इसका एक क्राइटेरिया है। अगर कोई किसी को एक रीडिंग पे हम नहीं कहेंगे कि ये हाइपरटेंसिव है, हमें मल्टीपल टाइम उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ब्लड प्रेशर लेने का भी एक तरीका होता है, आपने उसको भी फॉलो करना है। ये नहीं कि आप कहीं से भाग के आए, आपने ब्लड प्रेशर ले लिया, मतलब एक पूरा उसका आपको डॉक्टर समझाता है कि आपने ब्लड प्रेशर किस किस टाइम पे लेना है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर आपका मल्टीपल टाइम्स बढ़ा हुआ आता है फिर तो आपको यू नीड अ मेडिसिन। लेकिन अगर आपका एक आध दफ़ा जैसे स्ट्रेस के बाद आपने लिया, कोई ऐसा आपका आ गया, तो उसमें फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हैं, या उस एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं जो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस मैं आपको बताऊँ एक साइलेंट किलर है। स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। यूजुअली ये हमारी बॉडी में सुबह के टाइम पे पीक करता है, देन ये डिक्लाइन करना शुरू कम होना शुरू हो जाता है। अब बंदा अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहेगा तो ये हार्मोन पूरे दिन बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से बंदा को बार बार भूख भी लगेगी, वो खाना भी खाएगा, जब वो ज़्यादा खाना खाएगा डाइजेशन प्रॉब्लम, ओबेसिटी, वेट गेन, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने, और वैसे हम 40 के बाद की बात करें तो वैसे हार्मोन्स हमारे डिक्लाइन करते हैं, 10 to 15% हार्मोन डिक्लाइन होते हैं, जिससे हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है, वेट गेन भी होता है, या दूसरे मसाइल भी होते हैं, और इवन बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि इस एज के बाद बंदा जो है वो हो सकता है। तो रेगुलर स्क्रीनिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको स्क्रीनिंग करवाएं। बिल्कुल सही। लूजिंग वेट आफ्टर 40, लोग कहते हैं कि पहले मैं एक हफ़्ता डाइट करती थी, जो भी हमारे हरबे होते हैं 20s में 30s में वो अपना के देख लिए, लेकिन 40 क्रॉस करने के बाद वज़न कम नहीं होता। क्या ये मिथ है या ये हकीकत है? देखिए, अगर कोई अंडरलाइन डिजीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल थायराइड इशू नहीं है या कोई दूसरा हार्मोनल इशू नहीं है, तो कोई ऐसी मसला नहीं है कि आप 40 के बाद वेट कम ना कर सकें। ठीक है, होता ये है कि जो हम 20 साल में या 30 साल में खाना खा रहे थे, कैलोरीज ले रहे थे, वही हम 40 साल के बाद भी कैलोरीज लेते हैं। कैलोरीज में हमारा कोई कमी बेशी नहीं आ रही है। अब होता यह है कि वक्त के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है, तो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही होती, जो कैलोरीज बर्न नहीं होती वो कन्वर्ट हो जाती है फैट के अंदर। तो आपने फॉर एग्जांपल अगर 2200-2400 एक यंग बंदे की कैलोरीज थी, अब इस एज में आके आफ्टर 40 कैलोरीज को अपना कट डाउन करें तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। और सबसे एक अच्छी चीज़ है, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। कभी आपने अपना नाश्ता नहीं छोड़ना है, हेल्दी नाश्ता आपने ज़रूर लेना है, और रात का खाना कोशिश करें 6:30-7 बजे तक आप ले लें। फ्रिजी ड्रिंक से बड़े बच्चे सब अवॉइड करें। दूसरा ये बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से अवॉइड करें। खाएं, बिल्कुल मना नहीं, क्योंकि इसकी भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। आप किसी को बिल्कुल कम्प्लीटली कट डाउन हम नहीं कर सकते, हमें हर चीज़ लेनी, क्योंकि अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं तो हमें खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम खा लें और अपने आप को बीमार कर लें। अच्छा जी, ब्यूटी आफ्टर 40, आप अगर सेहतमंद हैं तो यकीनन आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, हर चीज़ से वो जो यू नो गुलाबी रंग होता है वो छलकता है, बिकॉज यू आर हैप्पी एंड यू आर ग्लोइंग। 40 के बाद लोग समझते हैं आपकी स्किन भी डल होगी, आपके बाल भी गिरेंगे, बाल सफ़ेद भी होंगे। मर्द हजरात बेचारे गंजपन की शिकायत कर रहे होते हैं। तो क्या 40 के बाद वाकई जो ज़ाहरी खूबसूरती है उसको मेंटेन करना विदाउट कॉस्मेटिक मेजर्स इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगेन वही बात है, इसमें हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। सही। ठीक है, और दूसरा सिद्रा ये है कि देखिए, हर चीज़ के लिए ना आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अपने आप वॉक करें तो ऐसा नहीं कि आपने एक हफ़्ते की कि मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, ठीक है अब मैं इसको नहीं करा। आप रिज़ल्ट, उसको कंसिस्टेंसी, अपने लिए टाइम निकालें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप अच्छे होंगे, आप हर काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने ऊपर टाइम नहीं निकालेंगे, और हम ये किसी फ़ायदे के लिए नहीं, अपनी बेसिकली हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने लिए टाइम निकालना है, और बगैर नहीं है कि आपने फैंसी चीज़ बनानी है, कोई फैंसी खाना होना चाहिए, फैंसी आपकी रूटीन हो तो आप वो होगा, आप बस सिंपल चीज़ों के साथ भी अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आप फैंसी कोई स्किन केयर आप रूटीन में शामिल करें तो ये आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपकी हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींद अच्छी होना चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर जो डिफिशेंसी है वाइटामिन की वो ना हो। अब वो कैसे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट लें, आपने ऐसी चीज़ें लेनी है खाने के अंदर जो कि आपको वाकई ही फ़ायदा पहुँचाए। बिल्कुल सही। उस्मा मुझे पता है इन्फ्लेमेशन, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज़ कि हमारी जितनी मेडिकल कंडीशंस हैं वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, सोजिश की वजह से है। तो उसमें मुझे बताएं कि ये जो कहा जाता है कि इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट ऑल द थिंग्स विच आर वाइट एंड रिफाइंड, यानी अगर आप वाइट वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूजी मैदे का इस्तेमाल करेंगे, वाइट शुगर का इस्तेमाल करेंगे, इवन वाइट राइस का इस्तेमाल करेंगे, दोज आर ऑल नॉट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड दे कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इज़ दिस ट्रू? कभी कभार ऐसा होता भी है, ठीक है। अब देखिए हमारी गट के ऊपर एक झिली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये रिफाइंड चीज़ें जो होती है ना उसको जाके इरिटेट करती हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो बेसिकली क्या है, जैसे हम कहते हैं कि भूसी वाला आटे का इस्तेमाल करें, तो एक तो ये है कि वो थोड़ा ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा, ड्राई म्यूकोज़ा को जो अंदर वाली लाइनिंग है उसको ड्राई नहीं करेगा, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है। इसी तरह से हम रिफाइंड शुगर की बात करते हैं तो आप उसकी जगह कभी कभी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह कोशिश करें कि हम जैसे हनी की तरफ, शहद की तरफ जा सकते हैं या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम कट डाउन कर दें, लेकिन हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लेना वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, ये 3 इविल्स जो हमारे यहाँ हैं और इसमें बड़ी खुल के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कई लोग शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड कैफ़ीन। 40 के बाद इसके जो ख़तरनाक असरात हैं वो बॉडी पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी 20-30 शायद आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन 40 शुड बी योर वेकअप कॉल, आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? देखिए सिद्रा, अगर हम बात करते हैं कि 40 के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते तो ये बात गलत है। ये चीज़ जो गलत है आपकी बॉडी के लिए, डे वन से ही गलत है वो। इवन मैं आपको बताऊं कि उसके असरात 40 से पहले आना शुरू हो जाएंगे। अगर एक बच्चा 20-22 साल की उम्र में स्मोकिंग करता है तो वो 40 साल का इंतज़ार नहीं करेगा कि बॉडी पे उसके इफ़ेक्ट आए। वो लंग्स, उसका हार्ट, उसकी वेसल्स वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएंगी और उसको वक्त से पहले खुदा ना खासा हार्ट अटैक या स्ट्रोक का असर हो सकता है। प्लस उसकी नींद की ख़राबी, उसकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपने 40 तक का वेट नहीं करना। ये चीज़ें देखें, हमें 40 में अपनी बॉडी को यंग रखने के लिए शुरू से ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब हम 40 तक पहुँचें तो हम अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करें, एक मोटिवेटेड फील करें। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी जो माइंडसेट है ना, जिसको आपको एक तरह से मात देनी होगी, वो ये कि हमारे यहाँ ख़वातीन की जैसे शादी 20s में हो गई, बाय द 30s देयर चिल्ड्रन आर ऑल्सो ग्रोइंग अप, तो वो एक पता नहीं क्यों ये एहसास है कि अब किसने देखना है। इवन मैन ऑल्सो फील दैट वे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इग्नोर करना शुरू करते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली आपके स्ट्रेसेस, लाइफ के मुख्तलिफ चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस आपके इस पूरे के पूरे सिनेरियो को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा फॉर बीइंग हियर। सम फैंटास्टिक टिप्स फॉर पीपल हु हैव क्रॉस्ड 40। लाइफ बिगिनस एट 40, लेकिन इसके लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा।